स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वी के कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन अपनी यानी कि एक्सेल में डेट ऑफ बर्थ को किस तरीका से कैलकुलेट कर सकते हो, उस सीट को आप किस तरीका से तैयार करेंगे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन सीट। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको आज के हेडिंग डालनी होगी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, याद के आपको डालना है फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट। करंट डेट के बाद हमें आज के डालना है बर्थ ऑफ मंथ, बर्थ ऑफ डे, एज, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे, इसको कर लेते हैं हम एक्स्ट्रा मंथ, F2 दबा के इसको एडिट कर देंगे, टोटल मंथ, टोटल डे। इतना करना है दोस्तों, हमें इनको ऑटो फिट करके थोड़ा सेट कर लेना है। इसमें क्या करना है, हमें बस दो चार फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, सब काम इसमें ऑटोमेटिक ही फार्मूला होगा। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम लिख देंगे राज, हमने लिख दिया फर्स्ट नेम में राज, और लास्ट नेम में लिख दिया मान लो कुमार। तो इसमें हमें एक फार्मूला लगाना है कि जिसमें ऐसा कौन सा फार्मूला होगा कि जिसमें ये दोनों नामों को एक साथ जोड़ दे। तो उसमें फार्मूला लगाना है आपको इक्वल कॉनकेव नेट, इसमें आपको टाइप करना है ये वाला वर्ड, और याद कैसे फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, सिंगल कॉमा लगाएंगे, और लास्ट नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो इससे हम यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे वो हमारा फुल नेम ऑटोमेटिक जुड़ के आज के आपको शो करेगा। याद के हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। मान लो मैंने आज की डेट डाल दी 18 जनवरी 2000। करंट डेट में क्या होगा, आपको करंट डेट में आज का फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू डे, या फिर आप आज की डेट डाल सकते हो जिस दिन आप ये सीट बनाओगे, करंट की डेट आप आज के डाल सकते हो या फार्मूला लगा सकते हो। तो इसमें करंट डेट आपका इसमें शो करेगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, इसमें आपको एक फार्मूला लगाना है कि आपका जन्म जो हुआ वो कौन से मंथ में जन्म हुआ है। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, इक्वल टैक्स फंक्शन को आपको यूज करना है, सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ को, कॉमा लगाएंगे, डबल कॉमा के अंदर चार बार आपको एम टाइप करना है, डबल कॉमा बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आपका मंथ जो आ जाएगा, जनवरी के मंथ में आपका जन्म हुआ था, यानी कि इसी तरीका से कौन से दिन जन्म हुआ है आपका, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो कैसे निकालना है आपको, इक्वल टैक्स फंक्शन ही लगाना है। इसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे, सिलेक्टेड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, डबल कॉमा के अंदर चार बार डी टाइप करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है, ट्यूसडे के दिन आपका जन्म हुआ। या मान लो कोई पूछ लगे इस तारीख को कौन सा दिन था, तो फार्मूला क्या लगेगा, टैक्स का ही लगेगा। कोई पूछ लगे 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन था, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, टैक्स का ही फार्मूला इसमें लगाना है, टैक्स लगाएंगे। इसको हम डेट ऑफ बर्थ मान के सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, डबल कॉमा के अंदर चार बार डी टाइप करेंगे, तो इस तारीख का दिन फ्राइडे था। वो इस तरीका से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें एज निकालनी है कि एज कितनी होगी, तो क्या करेंगे, इक्वल डेटेड इफ लगाएंगे, इसमें फंक्शन का नाम दिया है हमने ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ यानी कि इस डेट से लेके कॉमा करंट डेट, इस डेट के बीच कॉमा, डबल कॉमा के अंदर वाई, वाई का मतलब होता है ईयर, और एंटर प्रेस कर देना है। ईयर कितनी हो चुकी, 21 साल इसमें पूरी हो चुकी, कंप्लीट 21 साल। उसके बाद याद के हमें निकालना एक्स्ट्रा मंथ हो सकते हैं कुछ, तो उसमें भी यही फॉर्मूला टाइप करेंगे आपको, डेटेड इफ ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट, यानी कि इस डेट से लेके इस डेट के बीच हमें क्या करना, वाई एम, ईयर में से मंथ निकालना है। तो 6 मंथ एक्स्ट्रा हो चुके हैं, एक्स्ट्रा डे निकालेंगे तो इसके लिए भी फॉर्मूला डेटेड इफ ही होगा, ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट, कॉमा, डबल कॉमा के अंदर क्या करेंगे, हमें इसमें एम डी टाइप कर देना है, ब्रैकेट बंद करेंगे, डबल कॉमा बंद, एंटर। तो 16 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं।
यानी कि डेट ऑफ बर्थ इसकी जो बोलेंगे हम बोलेंगे 21 साल 6 महीने 16 दिन इसकी डेट ऑफ बर्थ को हो चुके हैं। क्वेश्चन आता है कि डेट ऑफ बर्थ टोटल कोई पूछ लगे कि टोटल कितने महीने के होगे तुम, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट सिलेक्ट करेंगे डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा डबल कॉमा के अंदर एम टाइप करके आपको एंटर प्रेस कर देना था। 258 मंथ के आप टोटल हो चुके हो आज तक। टोटल दिन कितने दिन के आप हो चुके हो तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा करंट डेट कॉमा डबल कॉमा के अंदर डी लिख के इसको इन्वर्टेड कॉमा बंद करके एंटर प्रेस कर देना है, तो टोटल दिन आ जाएगा आपका 7868, यानी कि इतने दिन टोटल तुम्हें आज तक हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, इसको दोनों टेबलों को सिलेक्ट करके, यानी कि जब भी आप सिलेक्ट करो इस तरीका से नीचे को ब्लैंक रो या ब्लैंक कॉलम आपको सिलेक्ट नहीं करना है, जिसमें आपकी एंट्री हो रही है उसी को आपको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टेबल पे जाना है और यहाँ से कोई भी एक कलर की टेबल आपको चॉइस करके यहाँ से ओके कर देना है। इससे क्या होगा, कोई नीचे आप नई एंट्री करोगे तो उसमें सारी डिटेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, आपको बार बार फॉर्मूले लगा के लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। मान लो मैंने इसमें कोई नाम डाल दिया आज कैसे राकेश नागर, तो इसमें क्या हो गया टैब लगाने से या क्लिक करने से राकेश नागर ऑटोमेटिक जुड़ गया है। अब मैं इसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा तो उसके टोटल दिन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएंगे। आज के मैंने डेट डाल दिया 1 जनवरी या 1 अगस्त 2005 और एंटर प्रेस करूंगा तो ये टोटल ऑटोमेटिक आ गया कि यानी कि 1 अगस्त का जो दिन था वो मंडे का दिन था, 16 साल एज हो चुकी है, 0 मंथ, तो ऑटोमेटिक ही सारा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीका से दोस्तों आप अटेंडेंस सीट के बाद ये हमारी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट सीट बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हो। हमें सीट का नाम देना है, ऊपर कोई एक हेडिंग इंसर्ट करनी है रो, तो उसके लिए क्या करेंगे फर्स्ट नंबर की रो को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबा देना है, तो इसमें क्या आ जाएगा एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसको आपको सिलेक्ट करके यहाँ पर मर्ज कर देना और इसमें सीट का नाम डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट। डेट ऑफ बर्थ सीट आपको इस तरीका से बना सकते हो बहुत ही आसान है। अगर आपको सीट बनाने में कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। इस तरीका से हम जितनी भी इसमें ट्रांजैक्शन करते जाएंगे उसकी सबकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती जाएगी।